दवाई थोड़ी छनी की थी पहले भी अमृत जल छनी तो अब फिर अमृत जल छनक बजारी तो ये अमृत जल कही रहे यार घड़ी घड़ी छनक माए भी तो जानकारी बता रहे कई चीज है चल नहीं हो यही तो कहते फिर माँ छण कुआ जो माँ सारी जानकारी बता दू चलो नहीं हम छण कुआ अभी बताऊंगा था चलो बैठ जाओ बैठ के बात करा ये तो ग्लब से हाथ में पेरवा का यो मुँह पे बांधा को मास्क और अन्न में अमृत जल है एक पाप में 100 ग्राम कूड़ा है तो हमसे कई प्रभाव रहे मतलब सोयाबीन में छिड़का अपन तो दवाई के बराबर काम करे या कम ज्यादा कि नहीं खतरा लग रहे दवाई से ज्यादा काम करे नहीं तो खतरा दिन तक काम करे 15 दिन के अंदर अंदर छिड़क न रहे हर 15 दिन हाँ जन से कही है के पौधा में एक तो इल्ली मर जान से इल्ली भी नहीं लगे ना कहीं की बीमारी लगे पौधा में पौधा सुरक्षित रहे तो यो खतरा में हाँ अमृत जल ये तो घर नहीं बन जाए जैविक है तो अनि अमृत जल बना बकान ने कहीं कहीं चीज छावे कहीं सा बनाए हो घर ने कैसे बने घर ने कैसे बने बताओ ने यान में एक तो गौमूत्र चा गोबर चा गुड़ चा ऐसा आणखी एक फिल्म भी बना रखी मैंने वो फिल्म आप देख लीजिए तो उनसे वो सारी विधि पता चली जाओ ठीक है तो शाम को बता दीजिए था हाँ वो भी रम बता कौन फिल्म पहले तो हाथ नहीं फेर लो गलत सा फेर लो तो दवाई छणक के नवर होया फेर लो अलग धोया हाथ साफ होया साबुन से धो लो अच्छा हाथ पहले तो यो मुंह पे मास्क बांध लेना चाहिए फिर ग्लव्स पहन लो उनके बाद ही अपन ये दवाई वही में लगभग काम करना चाहिए ताकि हाथ में कोई इफेक्ट नहीं जाए दवाई को तो ये तो कहीं है कि जैसे गौमूत्र है गोबर है जो आपने बताया जिससे दवाई बने हैं तो अनमें अना ग्लव्स की और मास्क की कई जरूरत यात्री जरूरी थोड़ी रहती है सबके काम ये जैविक तो रहे पर जैसा अपन कही की दवाई छिड़का कहीं की भी तो ये पेड़ लेना चाहिए तो आंसर कही सेफ्टी रहे शरीर की शरीर पर उनको कहीं भी प्रभाव नहीं पड़े तो जैसे बताई कि आसान सा बने दवाई तो आनी है फिर कतरी मलानी कसक डालनी सब तरीको बता हम बताओ नहीं दूर हो जाओ पहले आप कहीं करो आधो पब भर लो पानी से अपन वो दूसरी दवाई छिड़का उनमें भरा नहीं आधो पब ये आधो पब भर लो पानी से ये जैसा ये है अमृत जल तो अपन आधो भर जानी है तो ये एक ढक्कन खोल दो नाप से 50 ml खोल दो आधो आधो भर रहे तो अगर पूरा भर पंप तो फिर 100 ml 100 ml खोल के अब जा खोल लो खोल दो ढक्कन लगा लो छिपा देखा तो काट जो तो कई कई सावधानी रखनी चाहिए हमें दोषण को हमें सबसे ज्यादा तो हवा को ध्यान रखना पड़े अगर हवा अगर हवा अनंग से चल रही और अपन दवी छणक पर छणक भी अनंग जाएंगे तो अपन ऊपर उड़ उड़ का आगे नहीं तो अपन थोड़ा टेढ़ा होकर या फिर उनंग से दवी छणक पर छणक अनंग आएंगे तो अपन ऊपर नहीं आएगी शरीर पे वह दवा तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़े दवी छणक पर और ये पहन लो हाथ में ग्लव्स और मुँह पे बांध लो तो उनसे भी नहीं आगो और कहीं पौधों पूरा गिलो जानो चाहिए मतलब तो उन्हें पौधा की जड़ तक अगर ये दवाई पहुंचेगी नहीं तो पौधों तंदुरुस्त रहेगा हाँ पूरा बीन जागो तो उनमें कीड़ा भी लगेगा और पौधा भी हाँ और सबसे बड़ी सावधानी यह है अनमें कि एक तो यह घर नहीं बन जा और दूसरी बात यह कि हर 15 दिन का अनमें 15 दिन के अंतराल में छणकता रोनी है 15 दिन छणकता रहो मतलब रोग नहीं लगे उनसे पहले रोग नहीं लगे उनसे पहले छणक दो तो फिर रोग लगे ही नहीं बाद में टेंशन ही नहीं रोग की
अच्छी दवाई है यार, तो बना पैसे की जत्तो। हाँ अगर 500 लीटर 500 रुपये लीटर की दवाई नहीं लानी पड़े अपन, यहाँ से 15 दिन की 15 दिन छना तो आगे वहाँ के बात समझ में। 10 पप तो बने नहीं एक लीटर दवा का, 10-20 पप बने 50 ग्राम के हिसाब से, तो 10 पप लाइक जे मान लो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो मतलब 500 रुपये के समथिंग बच जाएगा। तो यार जब फिर में दवाई बन रही तो फिर अपन कई 500 रुपये बीघा के हिसाब से, मतलब 10 बीघा जमीन है तो 5000 रुपये बच गया आदमी, 50 बीघा है तो 25000 बच गया। तो आगे माँ के बात समझ में यार, मैं भी यही छण का दवाई भी ला आप यही छण को, और 15 दिन के 15 दिन छणक दो, कई दिक्कत है अपना को काम ही तो है, अपन किसान है तो फिर 15 दिन के 15 दिन खूब छणका नहीं बना पैसे की दवाई तो बनावे कैसा है, और धनते में गाँव में बता दीजिए तू मैं गाड़ी बता दूँ है ना जाओ गांव में मेरी बात समझो, धंधे में बता दीजिए और माल बना लगा तो माफी छंड देना है। हाँ यार बहुत अच्छी दवाई बना पैसा काम है यार, अभी तो मौको मिलेगा यार खूब, वास्तव में गजब को जानकारी मिली आज तो यार। हाँ मान लो दवाई 500 रुपये लीटर की है तो बचत को धंधो के, हाँ उनसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है बचत को धंधो, तो बचत को धंधो क्यों नहीं है यार, अब एक लीटर दवाई लाओ अपन तो कम से कम 500-600 रुपया बना दवाई नहीं आ, और ये फिर वो काम है न्यू बिल्कुल, और अपने कई काम है 15 दिन खूब छण का नहीं अपन है।